नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कुंदरू की सब्जी। सूखी सब्जी बनाएंगे हम। तो बहुत लोगों को कुंदरू क्या है नहीं पता, तो ये देखिए इस तरह से दिखते हैं कुंदरू। तो ये देसी कुंदरू मैंने यूज़ किया है। ये बड़े साइज़ के होते हैं। नॉर्मली आपको जो बाज़ार में मिलते हैं वो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो ये देखिए ये देसी हैं और ये इतने बड़े हैं। तो अब हम सबसे पहले दोनों एंड को इस तरह से काट लेंगे। तो इस तरह से काटेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी धो के रखा है, तो इसके दोनों एंड्स को हम काट लेंगे। तो ये देखिए ये है छोटे साइज़ के कुंदरू। तो मार्केट में आपको छोटे साइज़ के ज़्यादा मिलेंगे। और ये जो है देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं कितना बड़ा है देसी वाला, और जो आमतौर में जो मार्केट में मिलता है वो कितना छोटा है। तो इसके भी हम दोनों एंड्स को काट लेंगे। और इस सब्ज़ी के लिए मैं किस तरह से कुंदरू को काट रही हूँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए हम इस तरह से बीच से काट लेंगे। तो ये देखिए ये फ्रेश है एकदम। अब हम इसके पतले पतले स्लाइसेस काटेंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो बहुत लोगों को मैंने देखा है जो कुंदरू को ऐसे ही डाल के कुकर में पका के सब्जी बनाते हैं, यानी कि बिना काटे पूरा कुंदरू को वैसे ही काट के सब्जी बनाते हैं। यहाँ पे लेकिन मैं पतला पतला काट रही हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए और अंदर तक मसाले जो हैं अच्छे से चले जाएं। और ये हेल्थी भी है ये वेजिटेबल, इसे इंग्लिश में ईवी गार्ड बोलते हैं। ये देखिए मैं इस तरह से पतला पतला काट रही हूँ। तो ये जो है फ्रेश है, थोड़े दिन बाद ये पक जाता है तो लाइट येलो फिर लाइट ऑरेंज और रेड हो जाता है अंदर। तो वैसे रेड वाले हम नहीं लेंगे क्योंकि वो रेड में जो है टेस्ट डिफरेंट होता है। तो ये देखिए ये मैं मोटा वाला कुंदरू भी आपको काट के दिखा रही हूँ। तो ये थोड़ा सा सख्त है काटने में। तो ये देखिए ये बाहर से तो पता नहीं चल रहा है लेकिन देखिए अंदर में लाइट ऑरेंज हो गया, यानी कि ये हल्का सा पक गया है। लेकिन हम इसकी सब्जी बना सकते हैं, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब ये रेड हो जाता है आपको नहीं लेना है। तो इस तरह से मैंने सारे स्लाइसेस काट लिए हैं। ये तकरीबन आधा किलो कुंदरू है जिसे मैंने स्लाइस किया है। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है कुंदरू, और ये 1 कप स्लाइस्ड अनियन, 4 हरी मिर्च को इस तरह से बीच से काट लिया है। तो चलिए फटाफट सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई हमने रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें हम डाल देंगे तेल, आप सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, कोई भी तेल ले सकते हैं। सबसे पहले हम डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च, इसे हल्का सा हम सॉटे कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी हल्का सा सॉटे हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्लाइस्ड कुंदरू। इसे अच्छे से मिला लेंगे। कुंदरू को पकने के लिए हम आधा कप पानी डाल देंगे और इसे ढक के पका लेंगे 10 मिनट ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कुंदरू जो है अच्छे से पक गया है।
तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। मसाले में हमने यूज़ किया है हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे हम स्वादानुसार। और हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। तो जितना कम मसाला आप यूज़ करेंगे उतना ही टेस्टी आपका सब्जी भी बनेगा। तो ये सूखी सब्जी बना रहे हैं हम, जो कि आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं। सिंपल और बहुत टेस्टी होती है ये सब्जी। इसकी बहुत वैरायटी बनती है कुंदरू की, तो मसाले सब्जी भी बनते हैं, ग्रेवी वाली सब्जी भी बनती है। मसाले यानी कि जिसमें गरम मसाला और गार्लिक जिंजर ये सब यूज़ होता है, तो वो भी मैं आपको एक दिन करके दिखाऊंगी। तो अभी ये इसकी मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ। तो ये देखिए, आप चाहे तो थोड़ा सा और तेल डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो ये जो है कम तेल वाली सब्जी बनी है अभी। इसको और थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा तेल आप और ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मैं इसे और थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा और तेल डाल रही हूँ। अब इस तेल में मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुका है, तो अब मुझे इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो अच्छे से भून लूँगी मैं इस सब्जी को और ये तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने 5 मिनट और भुना है और सब्जी इस तरह दिख रही है। आप जितना ज़्यादा भुनेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी होगी ये। तो मैंने सिर्फ 5 मिनट भुना है और अब मैं गैस को बंद कर लूँगी और इसे निकाल लूँगी एक सर्विंग डिश में। तो ये देखिए, कुंदरू की सब्जी हमारी रेडी हो गई है, सूखी सब्जी। जैसे कि मैंने बोला, ये लंच के लिए बेस्ट है, जहाँ पे आप खा रहे हैं दाल चावल और ये एक साइड डिश यानी कि सूखी सब्जी तैयार हो जाएगी आपके लंच के लिए। आप इसे डिनर में भी खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में तो वैसे कम खाया जाता है सूखी सब्जी को, लेकिन हाँ, अगर आप पराठे के साथ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। जिन्हें ग्रेवी वाली सब्जी पसंद नहीं है तो वो ये सूखी सब्जी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेशली उनको जिन्हें डायबिटीज़ है। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए अपने घर पे ट्राई करने के बाद। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बिना सब्सक्राइब किए मत देखिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।